इस वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न फ्रेंड्स, बहुत सारे, एक दो नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ जरूर पूछेगा, जो मैं अभी आपको वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पास हुआ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका सही जवाब बताइए 61 का सही जवाब मैं बता दूं, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1773 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया था 1773 में, कहाँ बताइए कहाँ स्थापित किया गया था। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सर्विस का स्थापना किसने की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की। तो 64 का मैं आंसर बताता हूँ आप सभी को, 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया के व्यापार एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया के व्यापार को, उसके अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया। तो 65 का सही जवाब बता दूं, 65 का फ्रेंड्स 1833 ईस्वी में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किया गया था किसके साथ किया गया था। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों के साथ। अगला क्वेश्चन है भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। भारतीय विधि आयोग का गठन कब किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 67 ऑप्शन नंबर बी, 1833 में किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कब लागू की गई थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ। भारत में जो है प्रथम बार जो है रेल जो है कब चला था या सूत्रपात कब हुआ। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ। डाक व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ। तो फ्रेंड 70 का सही जवाब हो जाएगा, 1853 में डाक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली रेल किन दो नगरों के मध्य तक चली थी। पहली रेल फ्रेंड्स सेम टू सेम फ्रेंड्स इसी तरह का प्रश्न पूछता है, इसी तरह का फ्रेंड्स सेम टू सेम क्वेश्चन जो है पूछता है। तो 71 का सही जवाब हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच जो है पहली रेल चली थी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फ्रेंड्स आपका कितना प्रश्न जो है सही हुआ है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, 72 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। अगला क्वेश्चन है दास प्रथा उन्मूलन कब बना। दास प्रथा का उन्मूलन कानून जो है कब बना था। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा, 1843 में। लोक शिक्षा विभाग कब स्थापित किया गया। लोक शिक्षा विभाग जो है कब स्थापित किया गया, 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती फ्रेंड्स नहीं होती थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 75 का। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, गन्ना की खेती नहीं होती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था। 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था उसका जो प्रारंभ कहाँ हुआ था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 मई 1857 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ, बताइए 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था कहाँ से आरंभ हुआ था, दिल्ली, बेंगलोर, बेलोर, मेरठ या फिर झांसी। तो 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, मेरठ से, ठीक है। कहाँ से, कहाँ से जी, मेरठ से हो जाएगा, याद रखिएगा मेरठ से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में कौन सा मूलक मुगल शासक था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में कौन सा मुगल शासक था जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। तो 78 का सही जवाब हो जाएगा जी, बहादुर शाह जफर का उस वक्त शासक था, ठीक है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसको फांसी दे दी गई थी। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस वक्त किसको फांसी हुआ था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को याद करना चाहिए, सी का सी हो जाएगा, तांत्या टोपे को। अगला क्वेश्चन है कि किस पर अभियोग चलाकर उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था, बताइए 81 का बी हो जाएगा, बहादुर शाह जाफर। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, इनमें से कौन जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो फ्रेंड्स काफी शानदार क्वेश्चन है 82 का,
82 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, मध्यम शिक्षित वर्ग ने। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में वीर गति किसने प्राप्त की थी, 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा कब जारी की गई, महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा कब जारी की गई, 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक नंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन है 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनाई, बताइए कौन सी नीति अपनाई 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में, 85 का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी धार्मिक सहिष्णुता की नीति। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में 85 तक ही पढ़ेंगे, फिर अगला वीडियो भी जल्द मिल जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।